सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके जो हाल ही में प्रोजेक्ट एकदम रॉकस्टार, अभी भी रॉकस्टार वाली फीलिंग ऐसी लग रही है, माइंड से जा नहीं रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह के रिस्पांस हिंदी ऑडियंस प्लस पंजाबी ऑडियंस प्लस आपके जो फैंस है वो जिसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो फैंस से किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा यार, आप लोग आए अपना टाइम निकाल के। और अगर रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बिकॉज़ कैसा होता ना कि यार पिछले 15 साल से हम लोग एक जगह काम कर रहे हैं बॉम्बे में, है ना, एक इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं सारे और सब काम कर रहे हैं। और सबको पता है कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मैं पंजाब से हूँ और पंजाबी एक मदर टंग है हमारी, हमारी माँ बोली है जिसको हम बोलते हैं। और फिर कैसा होता ना कि जब आप अपनी माँ बोली के लिए, अपनी स्टेट के लिए और मदर टंग में जब आप बात करते हो या काम करते हो, तो आपको अलग ही प्राउड फील होता है। तो मेरा भी वही था कि यार इतने सालों से अभी हम टीवी में काम कर रहे हैं, तो मुझे था कि जैसे एक पंजाबी इंडस्ट्री हमारी बूम हो रही है, जहाँ पर भी आप जाते हो हर जगह पंजाबी गाने चल रहे होते हैं, चाहे आप इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, आप कहीं चले जाओ पंजाबी छाए पड़े हैं। तो मुझे था कि यार मैं एक अच्छे स्क्रिप्ट सुनूं, अगर मुझे अच्छे स्क्रिप्ट मिल जाए, कोई अच्छा कैरेक्टर मिले उसमें, तो डेफिनेटली मैं करूँगा। और वो ऐसा था कि मैंने बहुत जगह बातें चल रही थी मेरी और बहुत जगह बातें हुई भी, 2-3 एक्सपीरियंस भी हुए, बट मुझे था कि यार वो मेरे लायक कुछ था नहीं उस चीज़ में। क्योंकि अभी हमारे कैसे ना, क्योंकि हमने बहुत सारा काम किया ज़िंदगी में, और मुझे होता कि हम अपनी एक इस चीज़ को मेंटेन करके चले ताकि लोगों को अच्छा लगे। लोग हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उन्हें होता है कि डिफरेंट कुछ करके दिखाएं। और फिर जब मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी मैंने, है ना, और सत्य जब मुझे सुनाई इसकी स्क्रिप्ट, सत्यजीत पुरी इज़ अ नोन एक्टर, बिकॉज वो चाइल्ड आर्टिस्ट से वो अब बड़े हो चुके हैं, अब वो इतना काम कर चुके हैं, हर फिल्म में काम किया उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में, चाहे वो गोविंदा हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो धर्मेंद्र धर्म जी हो, चाहे सनी देओल हो, आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने बहुत काम किया है। और अब सबने सुना भी होगा उनका गाना फूलों का तारों का सबका कहना है, है ना। तो वो डायरेक्टर हैं और पहली बार वो फिल्म बना रहे थे, तो वो सारी चीज़ जैसे होता है ना, ऊपर वाला आपको प्रो के देता है। तो जब ये स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने मुझे बोला भी था नाजे कि मैं, मतलब था कि मुझे कि मैं एक नोन आर्टिस्ट लूँ, नोन फेस हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये हो कि वो उसमें हीरोगिरी दिखे। तो फिर जब तेरा मेंशन किया गया, मुझे तेरी बात चली, तो फिर मैंने बोला कि हाँ ये मैं जानता भी हूँ उसको, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ एक बार काम किया था और गामा था रेसलर में, उन्होंने मेरी लुक बनाई थी, वो शो कर रहे थे जब हम, खैर वो बात की बात है कि वो शो नहीं बना। तो जब ये स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे सुनाई, तो उसमें था कि एक रॉकस्टार लड़का है, और रॉकस्टार के साथ साथ उसमें हीरोगिरी भी है, उसके उसमें एक अपना स्वैग है, चलने का, बोलने का, मतलब बैठ हर चीज़ में एक स्वैग है उसका, अपना तरीका है जीने का। तो वो चीज़ तो कर सकता, बिकॉज एक तो वो लंबे बाल करने थे मुझे, तो वो चीज़ उन्होंने लेके जब स्क्रिप्ट सुनाई, तो मुझे भी लगा कि ये स्क्रिप्ट में मेरे लिए कुछ है डेफिनेटली। तो फिर वो किया हमने, और जब करने के बाद जब हमने ये फिल्म बनाई, और जब ये पिक्चर रिलीज से पहले भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इवन चाहे वो मेरे को एक्टर्स हो, चाहे वो युवराज हंस हो, अदिति हो, या जितने बाकी को एक्टर थे, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। और फिर जब इसका एक्सपीरियंस मुझे कब हुआ कि जब हम फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे, फिल्म की जब प्रमोशन कर रहे थे, तो मैं जहाँ पर भी जाता हर जगह मुझे अहम जी, गोपी के अहम जी सुनने को मिलता था, और वो एक प्राउड फील होता था सच में कि इतने साल बंद होने के बाद भी लोग हमें इतना प्यार देते हैं, लोग आज भी हमें जानते। ऐसा नहीं है कि एक दो लोग होते हैं, जैसे कि मैं कहीं जाता है, बंदा कहता है कि यार ये तो वही है जो शो में आता, नहीं ऐसा नहीं, अरे ये तो वही है ना जिसकी मीम्स बन रहे हैं, जिसकी रील्स बन रहे हैं, और जो शो अभी भी चल रहा है। तो वो जो क्रेज मैंने देखा है ना, और मैं अभी शेयर भी करूँगा अभी धीरे धीरे करके, वो सारी स्टोरीज वीडियोस लाखों के लोग, हज़ारों के लोगों की तादाद में, जब भी मैं कहीं पे भी जाता था, तो ऐसे होता है जैसे मेरे नाम के नारे लग रहे हैं, कोई वो होता ना वोट मांग रहा हो, कोई चोर निशान हो, या आपको कोई टैग लाइन हो, तो वहाँ होता था गोपी के अहम जी, गोपी के अहम जी, या अहम मोदी, अहम मोदी, मतलब ऐसे वाला एक्सपीरियंस था। सो वो प्यार जो मिला ना यार, हैट्स ऑफ, मतलब टच वुड, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड। एक वो जो सीन है, जो टॉयल वाला सीन है, जो अभी वापस सुर्खियों बटर रहा है। हाँ, वो अभी मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी न्यूज़ वाले के साथ किया था यार, पंजाब में, हाँ पंजाब में, कि
हाँ मैंने कहा भाई चल रहा है यार कि गोपी ने एम जी का देख लिया, गोपी ने एम जी का देख लिया, सवाल 7 करोड़ का। अरे तो क्या देख लिया भाई, बीवी थी मेरी, क्या देख लिया सारी मतलब है ना। तो उससे देखा टावर बांधे, वो टावर के नीचे वो काले रंग का कच्छा था इतना बड़ा, वो देख लिया, तो इसलिए वो शर्मा गई थी। इसी बीच कभी फैंस आपको भूले नहीं है, आप फैंस को नहीं भूले, बट कभी ऐसा मन में आया यार रियलिटी शो करके देखते हैं, क्योंकि हर हर स्टार के मन में जब ब्रेक लेते हैं तो एक पहला चीज बिग बॉस करके देखते हैं। आपके फैंस भी चाहते हैं कई हद तक आप बिग बॉस करके एक बार देख लीजिए क्या होता अरे है। बिग बॉस तो अभी खत्म हो गया भाई, जब बिग बॉस आएगी, बिग बॉस की बारी आएगी, डेफिनेटली मैं बिग बॉस करूंगा, और अगर फ्री हुए तो। और ऐसा भी नहीं है कि बिग बॉस की ऑफर नहीं आई है, कुछ होती हैं चीज़ें है ना जो टाइम टाइम ही होती हैं, जब वो टाइम आएगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। और अगर फ्री हो तो करेंगे, अगर बिजी हुए तो कुछ और करते दिखेंगे आपको। रियलिटी शो की अगर बात कीजिए तो मेरा तो रियलिटी शो ऐसा है कि यार कोई भी काम हो इंसान का, एज एन आर्टिस्ट मुझे, हमें बस लोगों के दिलों में जगह मिलनी चाहिए, हम लोगों के दिलों में बसने चाहिए। और आज मैं वही चीज़ चाहता हूँ कि जैसे हमने पहले शोज़ किए हैं, मैं चाहता हूँ कि वैसे शो बने, है ना, मतलब शो का क्रेज़ अलग हो, फील अलग होता है। तो जो आप वो फील दिलों में छोड़ के जाते हो ना, वो कई सालों तक रहता है, जो आज भी उसका शो का फील था लोगों के दिलों में है, और लोग चाहते हैं हमें देखना। कभी यशराज से मुलाकात हुई है, जो रसोड़े में क्या था, जो उन्होंने फेमस किया था और लोगों से के जरिए इतना फेमस हो चुका है, कभी उनसे मुलाकात हुई है आपकी? किससे? यशराज से, जो रसोड़े में क्या था, क्या अच्छा वो जिन्होंने बनाया था रसोड़े में वो, हाँ उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद हमने साथ ही टू किया था, उसके बाद ही बना था, लॉकडाउन में उन्होंने बनाया था ये, है ना। और मुझे अभी भी बताया क्योंकि वो बना था, उसके कोई मिलियंस और मिलियन चला था वो रील, मिलियंस टू मिलियन आई थिंक। और उसके बाद अभी ये दोबारा जो है ना, ये सवाल सात करोड़ का और लाला लाला बहुत चल रहा है। आई थिंक ये जो क्रेज है ना, मुझे लगता है कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे शोज हैं यार, कितने शोज हैं, लोग कितने याद रखते हैं, और हमें भी था कि यार वो शो चल गया अभी, लोग हमें कितने याद रखे। लेकिन हैट्स ऑफ और ब्लेस्ड है हम सारे आर्टिस्ट कि आज भी लोग उतने ही हमें प्यार करते हैं, उतने हमें देखना चाहते हैं और उतने हमें पसंद करते हैं। रियलिटी शो का जिक्र हो रहा था तो मुनावर अभी हाल ही में जीते, आप कुछ अगर बताना चाहोगे? अभिषेक भी एक बड़ा नाम था जो टेलीविजन का, आपको फेयर विनर लगा अगर कुछ मुझे अगर देखा जाए तो अगर फेयर विनर होगा तो डेफिनेटली मुझे मुनव्वर लगा यार, बिकॉज उसने शुरू से ही डे वन से जो गेम प्लान किया होता, गेम नहीं कहेंगे, उसने जिस तरीके से अपने आप की गेम खेली है, या उसके जो रिलेशन थे उसके सामने जो आए हैं, आई थिंक ठीक है वो सारे, चलो एक्स वाई जेड चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, बट उसने बहुत ही फेयर गेम खेला है, डिग्निटी के साथ खेला है। और एक गेम में कैसा होता ना कि यार हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है, और मुझे लगता था कि अगर आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा, मुनव्वर ने तो खेले ही खेला और अपना गेम बहुत अच्छे से जीता भी, अंकिता बहुत और ज़्यादा डिजर्व करती थी जो पोजीशन, हाँ जिस पोजीशन पे वो गई है ना, आई थिंक मुझे लगता था कि टॉप टू में अंकिता थी या फिर मुनव्वर था। और अंकिता बीच बीच में जहाँ लगा मुझे कि वो शायद विकी की वजह से उसने अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटाया, अगर वो शायद अकेले आके खेलती वो उस गेम को, तो शायद इस शो की विनर होती, डेफिनेटली विनर होती। लास्टली कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका? अभी पंजाबी फिल्म तो आ गई है मेरी, अभी एक शो चल रहा है मेरा ओल्ड बालाजी का बैक रोड, तो वो चालू है, और आने वाले प्रोजेक्ट भी हैं पाइपलाइन में, जैसे जैसे होते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और बाकी यही है, बस खुश रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो यार, इन्जॉय करो, और ये 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, और अपना नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। आई होप आपके करियर के लिए 2024 बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह, लव यू गाइस।